झूठ और सच की लड़ाई है, तो ऐसे में गुरु अगर बीएनएस की धारा 353 राहुल गांधी पर लगनी चाहिए, राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, बकौल भारतीय जनता पार्टी, उतना ही झूठ क्या देश के और माफी के साथ इस देश की जनता से, उतना ही बड़ा झूठ देश के गृहमंत्री अमित शाह भी फैला रहे हैं क्या कि कांग्रेस पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण खत्म कर देगी और मुसलमानों के बीच में बांट देगी। गरिमा जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा प्रणाम। अभी अडानी पे टिप्पणी हो रही थी, मुझे लगता है कि तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं श्रीमान रेवंत रेड्डी जी और साथ में गौतम अडानी हैं, तो ये सेलेक्टिविटी और ये हिपोक्रेसी से बचने की आवश्यकता है, पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर दो, गरिमा जी आपका सवाल आया है और अभी इस पर आपने चर्चा भी की कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी दर्जा, और बड़े अच्छे से दरकिनार कर लिया कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता ने कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कांग्रेस की आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता आपकी मित्र डॉक्टर रागिनी नायक ने कहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा, सुप्रीम कोर्ट इसको ट्वीट करते उन्होंने कहा है शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इसका मतलब है कि एएमयू में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा और कांग्रेस ने इस बात का आधिकारिक रूप से स्वागत किया है। राहुल गांधी जी पे आइए, राहुल गांधी जी का यहाँ पे विशेष गरिमा जी कहावत है, गरिमा जी आपने जितना धारा प्रवाह बगैर हस्तक्षेप कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता को बोलने दिया, मेरे आधे मिनट में आपका हस्तक्षेप आया, लेकिन मैं अपनी बात को पूरा कर लेता हूं। गरिमा जी, एक अंग्रेजी में कहावत है, लाइज मोर लाइज स्टेटिस्टिक्स, इस कहावत में परिवर्तन हो गया है, ये कहावत हो गया है लाइज मोर लाइज स्टेटिस्टिक्स एंड राहुल गांधी। राहुल गांधी जी इस देश को झूठ बोलते हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है क्या? राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हुए कहा है कि मुझे माफ कर दिया जाए, चाहे वो रफाल का मामला हो, चाहे चौकीदार चोरों का मामला हो, राहुल गांधी जी ने इस देश के सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगा है। जितना बड़ा झूठ राहुल गांधी बोल रहे हैं, सुरेंद्र जी प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था किसी के, बड़ी प्रेमपूर्ण आग्रह कर रही हूँ आपसे सुरेंद्र राजपूत। गुरु प्रकाश, ये जितना बड़ा झूठ राहुल गांधी बोल रहे हैं बकौल भारतीय जनता पार्टी, क्या फैक्चुअली उतना ही बड़ा झूठ देश के गृहमंत्री बोल रहे हैं? वेरी प्रिसाइज एंड वेरी स्ट्रेट। कतई नहीं, मैंने तो आपको सामने दिखा दिया गरिमा जी, मैंने आपके सामने एविडेंस के साथ आपको दिखाया कि कांग्रेस की आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है जिस फैसले में ये कहा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना गुरु, आरक्षण नहीं मिलेगा भाई। कर्नाटक पर सबसे ज्यादा हमलावर होते हैं बीजेपी के नेता, गरिमा जी मैं बोल लूं कि कर्नाटक में कांग्रेस ने ओबीसी का हकमारी की, ओबीसी की दुश्मन है कांग्रेस, और कर्नाटक में ओबीसी का हक खाकर मुसलमानों को 2B कैटेगरी जोड़ दी और सारी मुस्लिम जातियों को, शेखों को, सैयदों को, सबको आरक्षण दे दिया। ये सबसे बड़ा हमला था ना लोकसभा में, ये सच है या झूठ है? आज गुरु प्रकाश जी, धन्यवाद आपने मुझे, आपने मुझे मौका दिया गरिमा जी यहाँ बोलने का, मैं आपका आभारी हूँ। नहीं देखिए गरिमा जी, पिछड़े वर्ग की बात करने का नैतिक अधिकार कांग्रेस पार्टी के पास कहां से आ गया? कांग्रेस पार्टी कब से ओबीसी के पैरोकार बन गई? जिस पार्टी के प्रधानमंत्री सदन के पटल पे मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध करते हैं, वो पार्टी आज ओबीसी की मसीहा बन गई है। चलिए आप कहिएगा गुरु आप पुरानी बात कर रहे हो, तो 2013 पे आइए ना, 2013-14 में जब यूपीए की सरकार थी कितने ओबीसी मंत्री थे हम पूछना चाहते हैं? बताइए गरिमा जी कितने ओबीसी मंत्री थे? मात्र एक मंत्री एम वीरप्पा मोइली ओबीसी समाज से आते थे। कर्नाटक में कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण दे दिया, आप मुझे जवाब देने का मौका नहीं देंगे। कैटेगरी जोड़कर ओबीसी की हकमारी कर, ये ठीक फैक्ट है या ये गलत फैक्ट? फैक्चुअली इट इज रॉन्ग और राइट? गरिमा जी आपने मुझे जो समय आपने मुझे जितना समय दिया है उस समय का भी आधा हिस्सा आप ले लीजिए, मैं स्वेच्छा से स्नेह के साथ प्रेम के साथ उस समय आपको देने को तैयार हूं, लेकिन जितना मैं आग्रह करता हूं, जितनी चिंता यहां कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता को बांदा विश्वविद्यालय की थी, उतनी ही चिंता मुझे केंद्र की कैबिनेट की भी थी। 2013-14 में ओबीसी की तथाकथित मसीहा पार्टी, ओबीसी के तथाकथित पैरोकार जो आज बनके घूम रहे हैं, उस पूरे कैबिनेट में मात्र एक ओबीसी का व्यक्ति था कैबिनेट का मेंबर, जिनका नाम एम वीरप्पा मोइली था। गुरु आप नहीं बताएंगे, आप गुरु ये नहीं बताएंगे कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी का हक छीन कर दिया क्या कांग्रेस ने? ये गुरु नहीं बताएंगे, क्योंकि जेडीएस जिसने वो हकमारी की या लागू किया वो साथ खड़ी है कांग्रेस सरकार के।
जितना समय आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को दिया है उसका एक चौथाई समय भी आपने मुझे नहीं दिया है गरिमा जी, जस्ट मैं ऑन रिकॉर्ड रख रहा था। अब आइए कर्नाटक पे, आप कहिएगा टीडीपी के लोग भी वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोग करते हैं। अरे भाई, जेडीएस हो, टीडीपी हो, जेडीयू हो, ये अपनी अलग पार्टी है, इनकी अपनी स्वायत्त मांगे हैं, हमारी जेडीयू के साथ शुरू से असहमति रही है, ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन गरिमा जी, आज का विषय जो बहुत ही संवेदनशील है वो आरक्षण के प्रतिबद्धता के प्रति, रिजर्वेशन के प्रति किसका कितना कमिटमेंट है, ये हमें जानने की आवश्यकता है। और लेटरल एंट्री की बात कर रहे थे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, मनमोहन सिंह जी क्या थे, मोंटेक सिंह आलूवालिया क्या थे, अश्विनी कुमार जब जापान में स्पेशल इन्वॉय बन के जाते हैं वो क्या थे। तो इस देश में लेटरल एंट्री की जो परंपरा को स्थापित और संस्थागत करने वाले लोग आज लेटरल एंट्री पे सवाल कर रहे हैं, मुझे लगता है सोचने वाला विषय है। हरियाणा में आप भी दलितों को बांट रहे हैं क्या डॉक्टर गुरु? अनरिस्ट्रिक्टेड हरियाणा में आपने भी बांट दिया दलितों को गरिमा जी। अश्विनी वैष्णव ने कहा क्रीमी लेयर आरक्षण का क्रीमी लेयर आरक्षण में लागू नहीं होगा क्योंकि संविधान में प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा क्रीमी लेयर आरक्षण में लागू नहीं होगा एससी के। हरियाणा की पहली कैबिनेट ने पारित कर दिया, बांट दिया, 13 जाति एक तरफ कर दी और 36 जाति एक तरफ कर दी हरियाणा में। नहीं नहीं गरिमा जी, बहुत अच्छी बात है कि आपके दर्शक और मैं, हम दोनों ही, आप मुझे कितना समय देती हैं उसका ट्रैक रखते हैं, आप मेरे समय का हिस्सा ले रही हैं वो ठीक है, लेकिन हरियाणा में क्रीमी लेयर नहीं लागू हुआ है गरिमा जी। आप लगता है किसी प्रकार के भ्रम में है, हरियाणा में सब कैटेगराइजेशन हुआ है, जिन दलित समाज के जातियों को आरक्षण में हिस्सा नहीं मिला था उनको सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो स्टेट को एम्पावर करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। हरियाणा में प्रधानमंत्री कोई ताकत नहीं लागू, नहीं नहीं गरिमा जी 10 सेकंड चाहिए, गरिमा जी 10 सेकंड चाहिए गरिमा जी, ऐसे नहीं होता है। आधा समय आप देती है कांग्रेस के कंपैरिजन में, ये लड़ाई जो करते हैं गुरु, उसमें आधे समय 75% ना ये हर बार में जो आप ये 10 सेकंड बोल लड़ाई करने में अपना 10 सेकंड जाया कर देते हैं, इससे बचने की जरूरत है गुरु। गरिमा जी मैं बोलना चाहता हूँ, गरिमा जी मैं बोलना चाहता हूँ, इस देश में पहली बार आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बनती है तो कब बनती है, पहली बार कोई आदिवासी सीएजी बनता है तो कब बनता है, पहली बार एनएचएआई का ओबीसी चेयरपर्सन बनता है तो कब बनता है, पहली बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में शेड्यूल्ड कास्ट का जज बनता है तो कब बनता है, पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में एससी समाज का सचिव बनता है तो कब बनता है, पहली बार रेलवे बोर्ड का चेयरमैन एससी समाज का बनता है तो कब बनता है, पहली बार हरियाणा में कलाकार की देश का पहला राज्य बन गया ना हरियाणा, होते हैं तो पहली बार ऐसा होता है एससी में क्रिमिनल रिजर्वेशन लागू करने वाला, बांट दिया, पहला राज्य बन गया दलित, क्रीमी लेयर रिजर्वेशन नहीं है, क्रीमी लेयर रिजर्वेशन नहीं है गरिमा जी, आप गलत बोल रही हैं। नहीं मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं गुरु बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ, सब कैटेगराइजेशन अलग है। 10 अगस्त को अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बाहर आकर कहा कि प्रावधान नहीं है संविधान में क्रीमी लेयर का, अश्विनी वैष्णव का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, सब कैटेगराइजेशन प्रावधान नहीं है, सब कैटेगराइजेशन का संविधान में हम लागू नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के। आप भ्रमित, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप भ्रमित कर रही हैं। हरियाणा में सब कैटेगराइजेशन हुआ है, क्रीमी लेयर नहीं लागू हुआ है, हरियाणा में सब कैटेगराइजेशन हुआ है, क्रीमी लेयर नहीं लागू हुआ है। मैं आपको अभी पोल के दिखाता हूँ चिमूर में,